प्रस्तुत पाठ में लेखक श्यामाचरण द्विवेदी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ में यह व्यक्त किया है कि अब हमारे जीवन में उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृत के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृत से जुड़ा रहा है और सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें लेकिन हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम पूर्ण रूप से बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता के गिरफ्त में हम प्रतिदिन आते जा रहे हैं। संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के छीण हो जाने के कारण हम अपने आप को उपभोक्ताओं पर समर्पित समझ रहे हैं। हमारा समाज, हमारी बोलचाल की भाषा, हमारी दिनचर्या सब कुछ बदल रही है। समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है जो हम वशीकरण की ओर भाग जा रहे हैं। सम्मोहन यह है कि हम दूसरे को अगर कोई भी आवश्यकता की चीजें देख लेते हैं तो अनायास ही हम उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं। और आकर्षित होना ही एक प्रकार के दास्तां होने के बराबर है। ऐसी भाव हमें देखने को मिलते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, गंभीर चिंता का विषय है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता जैसे आलू के चिप्स से नहीं सुधरती तो हम बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, कूड़ा कबाड़ा समाज के वर्गों को दूरियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम अशांति के माहौल में जी रहे हैं। हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्ट के तात्कालिक लक्ष्यों का हम पीछा करके अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं।